हे गाइस, वेलकम टू आर ट्रिक चैनल। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि गाइस मैं आप लोग के इस वीडियो में बताऊंगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से कैसे हटाएं, इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक से डिस्कनेक्ट कैसे करें। इसी के बारे में इस वीडियो में फुल स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक आर ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से डिस्कनेक्ट करने के लिए, फेसबुक से हटाने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है। तो गाइज, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का आपको पेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में सबसे नीचे इस प्रोफाइल आइकन पर आपको इस तरीके से टैप कर देना, ओके गाइज। और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने को मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम। अगर आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, मेरा यूजर नेम यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थ्री लाइन का ऑप्शन आएगा, तो अब आपको इस थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर इस तरीके से टैप कर देना, ओके गाइज। और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर जो है अकाउंट का बहुत सारा आपको सेटिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अकाउंट का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कर देना है, राइट गाइज। और अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट का जो है बहुत सारा आपको सेटिंग देखने को मिलेगा, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेव्ड, क्लोज फ्रेंड, अकाउंट स्टेटस, और भी काफ़ी आपको यहाँ पर अकाउंट का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो आपको इंस्टाग्राम को फेसबुक से डिस्कनेक्ट करना है, यानी कि हटाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आना है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर शेयरिंग टू अदर ऐप्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। और गाइज, इस पर क्लिक करने के बाद तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक से ज्वाइन है, फेसबुक आईडी शो कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें इसे डिस्कनेक्ट करना है, यानी कि इंस्टाग्राम को फेसबुक से हटाना। इसके लिए हम यहाँ पर फेसबुक नाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नेम है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का फिर से आपको पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फेसबुक आईडी यहाँ पर एम डी रियाज नाम से है, तो हमें इसे हटाना है। तो इसके लिए हमें सबसे नीचे में यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट सेंटर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हमें अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही हम अकाउंट सेंटर पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो है मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके पीछे में यहाँ पर जो दिख रहा है वो मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है, ठीक है, इसे हमें हटाना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हमें अकाउंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे हम अकाउंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर मेरा फेसबुक आईडी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें फेसबुक आईडी को इंस्टाग्राम से अनलिंक करना है, हटाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फेसबुक आईडी है और यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है। तो अब हमें इस रिमूव पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमें फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं स्क्रॉल डाउन कर दिया हूँ। तो इस तरीके से आप पूरा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, और उसके बाद फिर से यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आएगा, तो फिर से आपको यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही हम रिमूव पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एम डी रियाज रिमूव्ड हो चुका है, यानी कि मेरा फेसबुक आईडी जो इंस्टाग्राम से ज्वाइन था, यानी कि लिंक था, वो अब अनलिंक हो चुका है, यानी कि हट चुका है। अब यहाँ से मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फेसबुक आ चुका है, पहले मेरा फेसबुक से ज्वाइन था। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम की आईडी फेसबुक से हटा सकते हैं, अनलिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक आर ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो मिलते हैं नए ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय।